नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिथर वर्ल्ड का विड्रॉल अर्थबिट में कैसे लेते हैं और अर्थबिट से अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अर्थबिट को लॉगिन कर लेना है। अगर किसी ने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, और उसको रजिस्टर्स कैसे करते हैं तो उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो उसके विड्रॉल के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने विड्रॉल जो हमारा तीन बिंदु पे क्लिक करके वॉलेट पे क्लिक करके और यहाँ इस तरह से कुछ दिखेगा, और उसके बाद आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है और जहाँ आपको BTC दिख रहा है वहाँ आपने एम कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको नीचे एम कॉइन का एड्रेस मिल जाएगा। सबसे पहले इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको अपनी एम कॉइन की आईडी या मिथर वर्ल्ड साइट पे अपने एम कॉइन की आईडी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, और सबसे पहला काम आपने अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद इसके नीचे आपको मॉडिफाई प्रोफाइल दिख जाएगा, यहाँ अपना 2FA डाल के इसको सबमिट कर देना है। और सबसे ज़रूरी काम, आपने इसको नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ जैसे आपने वॉलेट पे क्लिक कर लेना है, वॉलेट में देखना हमारा अर्थबिट कितने नंबर पे आता है। हमारा अर्थबिट 5वें नंबर पे आता है और यहाँ आपने 5 कर देना है। और उसके बाद जो भी यहाँ कुछ लिखा होगा उसको आपने यहाँ से हटा देना है पूरी तरह से। और उसके बाद आपका जो एम कॉइन का एड्रेस है उसको कॉपी करके यहाँ आपने उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही वो पेस्ट कर देते हैं तो उसको आपने अप टू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब आपका सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है और माई अर्निंग में जाना है और डेली एम कॉइन में जाना है, और यहाँ आपने इसको रिक्वेस्ट विड्रॉल में जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप उस एड्रेस को चेक भी कर सकते हैं, और कंफर्म करना चाहे तो उसको यहाँ खोल के दोनों साइड उसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मिनिमम 106 एम कॉइन पड़े हैं, मैं इनको जैसे यहाँ 106 कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया, उसके बाद एक OTP आपकी ईमेल पे जाएगा और नीचे आपने ऑथेंटिकेटर का कोड डाल देना। आपने इसको कन्फर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है और आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस तरह से आपका, ये देखो मेरा अभी विड्रॉल पेंडिंग में आ रहा है, हार्डली इसको 24 घंटे में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपका ये आपको अर्थबिट पे रिसीव हो जाता। अब मैं आपको अर्थबिट पे लेके चलता हूँ। उसके बाद आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है, अपने वॉलेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपको बैलेंस दिख रहा है उसको ऐसे रहने देना और नीचे नीचे आपने स्क्रोल करना है। यहाँ देखो आपको INR और एम कॉइन दिख रहा होगा, और जैसे ही वो वहाँ से प्रोसेस हो जाता है तो आपको यहाँ एम कॉइन में वो आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी, यहाँ बंदे भूल जाते हैं कि यहाँ से आगे क्या करना है और परेशान होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इसको नीचे नीचे स्क्रॉल करने के बाद साइड में करना है, और साइड में जहाँ आपको विड्रॉल डिपॉजिट ट्रेड दिख रहा है और आपने ट्रेड पर क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च करना है यहाँ सेलेक्ट INR और उसके बाद एम कॉइन। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपने नीचे नीचे इसको स्क्रॉल कर देना है।
जो भी आपके कॉइन का रेट होगा वो आपको शो हो रहा है और उसके नीचे आ रही है आपको ऑप्शन। आपने इसको सेल भी कर सकते हैं, यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। जैसे आपने वहाँ से विड्रॉल लगाया है, वो कॉइन आपके यहाँ बैलेंस में शो हो जाएंगे। जिस किसी को यहाँ से विड्रॉल लेना होगा तो वो आप यहाँ 100% पे क्लिक कर देना और उसका प्राइस आ जाएगा, नीचे क्वांटिटी में उसका कॉइन आ जाएंगे जितने हैं और नीचे उसका बैलेंस आ जाएगा जितना भी बनता है। उसको यहाँ से फिर सेल कर देना है। जैसे यहाँ से वो सेल करते हैं तो फिर आपने दोबारा अपने वॉलेट में बैलेंस में और इसके बाद दोबारा नीचे नीचे करना, आपको और नीचे आपको INR दिख रहा होगा, जहां आपको INR यहां दिख रहा है उसके बाद आपने यहां आपका जो भी बैलेंस बनता है जितना भी आपने कॉइन वहां से ट्रांसफर किया उसके लाइव रेट के हिसाब से आपको यहां शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहां विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं आपका टोटल बैलेंस ऊपर शो हो जाएगा, उसके नीचे आपने यहां जो भी अमाउंट बनता है उसको डाल देना है, नीचे आपने OTP क्रिएट कर लेना है। जैसे OTP आता है तो आप OTP को वेरीफाई कर ले, उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक कर ले और आपको विड्रॉल हो जाएगा जो भी आपने अर्थबिट में KYC करते हुए अपना बैंक अकाउंट डाला होगा उसमें वो पहुंच जाएगा। हार्डली 15-20 मिनट में पहुंच जाता है। और एक बात सर, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें बिट भी लगाना चाहते हैं, बिट का मतलब होता है जैसे आप बैलेंस में क्लिक करते हैं, बैलेंस में क्लिक करने के बाद आपको दोबारा एम कॉइन में जाना है, वहां पे आपने फिर से ट्रेड पे क्लिक करना है। और यहां दोबारा आपने INR में एम कॉइन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, नीचे नीचे आपने इसको स्क्रॉल कर देना। उसके बाद नीचे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर किसी ने सेल करना हो, जैसे हम 100% करते हैं तो वो लाइव रेट हो गया, जैसे लाइव रेट चला। अगर किसी को ऐसा लगता है जो लाइव रेट चला हुआ है, जैसे कि मान लो 56.21 चला, अगर मैंने अपने एम कॉइन को 100 रुपये में सेल करना है तो जैसे ही आप 100 रुपये में यहाँ अमाउंट देते हैं और नीचे आपकी क्वांटिटी आ जाती है भी आपके पास कितने कॉइन हैं, और जैसे ही आप यहाँ सेल पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो बिट आपकी नीचे शो हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ लगाई हुई है सेल की भी बाय की भी, जब भी ये इसका रेट 100 पे पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकल वो आपके INR में पहुँच जाएंगे और INR बाद उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है ये, जैसे ही आपको लगता है मुझे 100 पे 50 पे 1000 पे 10000 पे 1,00,000 पे बेचने तो आप बिट लगा के छोड़ दो, जैसे ही अमाउंट ग्रो होता है तो आपके INR में बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक बिट लगाई है सेल की जिसमें मेरे पास 1000 एम कॉइन है और मैं 10,001 रुपये इसका अमाउंट सेल के लिए डाल दिया है। जब कभी 10,001 रुपये एम कॉइन का रेट हो जाता है तो मेरे INR में ऑटोमेटिकल ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहां से हम इसको बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अगर कुछ भी अधूरा या कोई और जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू मित्र, DR मित्र एम कॉइन फ्यूचर।